सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। मॉर्निंग टॉपिक में आज हम बात करेंगे नेग्लेक्टेड डिजीज की, यानी कि उपेक्षित रोगों की। हम बात करेंगे कि हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, इससे संबंधित जो प्रतिवेदन आया है वो भारत के संदर्भ में क्या यहाँ पर बिंदुओं को लेकर प्रदर्शित करता है, इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले कि हमने उपेक्षित रोगों को अपने वीडियो में शामिल क्यों किया। देखिए, एक नए प्रतिवेदन के अनुसार उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों से संबंधित अनुसंधान और विकास के लिए धनराशि मुहैया करने वाले देशों में भारत का स्थान है चौथा, यानी कि चौथा बड़ा देश है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो उपेक्षित रोग हैं उनके अनुसंधान और विकास के लिए धनराशि मुहैया कराता है। प्रतिवेदन 11वें वार्षिक जी फाइंडर सर्वेक्षण में तैयार हुआ और इस सर्वेक्षण में विकासशील देशों में उपेक्षित रोगों के लिए नए उत्पादों के विषय में अनुसंधान और विकास के लिए जितने वैश्विक निवेश किए गए हैं उनका एक विश्लेषण दिया गया, यानी कि एक विश्लेषण तैयार किया गया कि इसके संदर्भ में कितना निवेश किन किन देशों के द्वारा किया गया है। सर्वेक्षण में जिन उपेक्षित रोगों के लिए निवेश का अध्ययन किया गया है वो है ट्रेकोमा, बुरुली अल्सर, आमवात ज्वर, मेनिनजाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस, HIV, मलेरिया, डेंगी, हेपेटाइटिस सी और कुष्ठ रोग। इन रोगों को उपेक्षित रोगों की श्रेणी में रखा गया है और सर्वेक्षण में धनराशि मुहैया कराने के इन स्रोतों की जब जांच की गई तो पता चला कि सरकारें, मानव कल्याण संस्थाएं और निजी क्षेत्र व अन्य प्रकार के संगठन इनसे संबंधित धनराशि यहाँ पर मुहैया कराते हैं। प्रतिवेदन में वर्णित कुछ मुख्य तथ्य हैं कि अमेरिका सबसे बड़ा निधि प्रदाता देश है। अमेरिका ने सबसे अधिक, यानी कि $1,595 मिलियन की राशि यहाँ पर दी है और भारत चौथा बड़ा देश है जो इस हेतु निवेश करता है, उसने $72 मिलियन का निवेश किया है। भारत निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा खुद ही उपलब्ध कराता है और प्रतिवेदन के अनुसार भारत 2009 से इस संदर्भ में सरकारी योगदान कर रहा है और विश्व भर में इस मामलों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वृद्धि भारत में हुई है। अब बात करें आगे की, यानी कि उपेक्षित रोगों के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, यानी कि R&D आवश्यक क्यों है। देखिए, इसलिए जरूरी है कि भारत में उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों के लिए दवाई खोजने के निमित्त अनुसंधान और विकास की आवश्यकता को कम करके तो आंका नहीं जा सकता, क्योंकि जैसा अभी हमने देखा कि उसमें सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो भारत के हैं, तो इसलिए जरूरी हो जाता है भारत के लिए कि इस संदर्भ में दवाई खोजने के लिए जो अनुसंधान और विकास की आवश्यकता है वो बहुत ज्यादा अनिवार्य यहाँ पर हो जाती है। यहाँ ऐसे रोग अधिक मात्रा में है, जैसे 11 रोग तो ऐसे हैं जिनके मामले सबसे ज्यादा यहाँ पर ही हैं, जैसे हाथी पांव है, आंत का लीशमेनियासिस है, ट्रिकोमा है, टेपवर्म, राउंडवर्म, हुकवर्म, विपवर्म, डेंगी या कुष्ठ रोग। ये मामले सबसे ज्यादा भारत में ही है और 2017 में भारत में यक्ष्मा के 2.3 मिलियन नए मामले सामने आए थे और पूरे विश्व की अगर बात करें तो विश्व में यक्ष्मा से मरने वाले रोगों में 1/3 भारतीय ही होते हैं। तो इसलिए आवश्यकता है यहाँ पर उपेक्षित रोगों के प्रति अनुसंधान और विकास की, ताकि दवाएं खोजी जा सके और इन बीमारियों को दूर किया जा सके। इसलिए उपेक्षित जो रोग आज का वीडियो था, इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। भारत भी इसमें योगदान कर रहा है, अमेरिका ने सबसे ज्यादा योगदान किया है। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।